हे गाइस, वेलकम बैक टू साची एंड सोनू चैनल। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि हमें बुलावा आ गया है बांके बिहारी जी का। सो सडनली हमारा ये प्लान बना। हे गाइस, राधे राधे। हम लोग हैं मेट्रो में और जा रहे हैं वृंदावन। सो दिखाते हैं वृंदावन मेट्रो से कैसे जाया जाता है, बने रहिए आप हमारे साथ। मेट्रो से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से हम लोगों को आना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक, वहाँ से फिर हमने लेना है वल्लभगढ़ के लिए। और उसके बाद वहाँ से मिल जाएंगी छोटे छोटे जिप्सी कार वगैरह, तो हम वहाँ से कार वगैरह हायर करेंगे। गाइस, यहाँ बैठ चुके हैं हम मेट्रो में और यहाँ से टोटल 26 स्टेशन्स पड़ेंगे बल्लभगढ़ पहुँचने के लिए। बल्लभगढ़ पहुँचने के बाद हम लेंगे गाड़ी जो भी हमें मिल जाए, क्योंकि ये था हमारा सडनली का प्लान वन डे पहले का ही, तो हम ट्रेन वगैरह या कोई भी गाड़ी वगैरह बुक नहीं कर पाए, इसीलिए हम इस तरीके से पहुँच रहे हैं वृंदावन जल्द से जल्द। और यहाँ हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं और हमने अब गाड़ी हायर कर ली है और हम पहुँच चुके हैं वृंदावन और ये दर्शन कर रहे हैं हम राधा वल्लभ जी के। सबसे पहले दर्शन हमने किए राधा वल्लभ जी के और बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस। सबसे आगे जाकर हम लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद शाम के टाइम में हमने किया बांके बिहारी जी का, क्योंकि तब तक कपाट बंद हो चुके थे जब तक हम पहुँचे। तो ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है और अब हम लगा रहे तिलक। ठाकुर जी तुम्हें बुलाते रहे, राधे बोलो, राधे राधे बोल दो, राधे राधे राधे। एक बार इसका करना भैया, राधे राधे करना, ठीक। एक मिनट। अरे मत चलाओ ज्यादा, राधे राधे। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं निधिवन के लिए, क्योंकि बांके बिहारी जी का कपाट अभी बंद हो चुका था जो खुलेंगे शाम को। तो इस बीच में जो भी टाइमिंग बचा हमने सोचा पहले हम चले जाते हैं निधिवन। और यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा था बंदरों का। वो फ़ोन स्नैच कर रहे थे, स्पेक्स स्नैच कर रहे थे, तो मैं चोरी चोरी छुपके छुपके आप लोगों के लिए बना रही यहाँ पर वीडियो। हम बैठ चुके हैं रिक्शे में, जा रहे हैं निधिवन की तरफ। गाइज, ये है निधिवन का एंट्रेंस और अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ मंदिर में दर्शन करते हुए जाना होता है। यहाँ से तिलक होता है, उसके बाद हम अंदर वन की ओर चलेंगे। जब हम करें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, ये वो भाग्यशाली दर्शन है जिसको करने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। गाइस, ये है आइस्कॉन टेम्पल। Thank you.
गाइस उसके बाद हम आए प्रेम मंदिर। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है इस मंदिर में, आगे आप देखिएगा वीडियो में। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
सो गाइस आपने देखा यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पर बनाया गया हुआ है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। सो ये दृश्य यहाँ पर बना हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीलाएं गोपियों के साथ, राधा रानी जी के साथ, वो भी दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। सो सभी दृश्य दिल को मन मोह करने वाले वो दृश्य सभी यहाँ पर अपने फोन में सभी कैप्चर कर रहे हैं। देखिए गाइस झूला झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी, हर कोई यहाँ पर उन पलों को कैद करना चाहता है, हर कोई यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। गाइस प्रेम मंदिर में ही हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, हमारा विचार था कि हम राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाने के लिए निकले, पर लेट बहुत हो चुका था। सो हमने नाइट में वहीं स्टे कर लिया और उसके बाद सुबह को हम गए राधा रानी जी के दर्शन के लिए बरसाना और हम निकल चुके हैं वहाँ के लिए। अब सो गाइस 2 घंटे का सफ़र तय कर वृंदावन से बरसाने हम पहुंच चुके हैं श्री लाडली जी के मंदिर और ये 250 सीढ़ी चढ़कर पहुंचना है हमें राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। और ये बहुत भाग्यशाली दर्शन है जो हम करने जा रहे थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे यहाँ भी। बरसाने में श्री लाडली जी के दर्शन, श्री राधा रानी जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुआ, हमने बहुत आनंद प्राप्त हुआ उनके दर्शन कर, बहुत मन को शांति मिल गई। अब सफलतापूर्वक दर्शन कर हम निकले घर के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे।